हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं भाई लोग? आज मैं सुपरमैन वीडियो का सेकंड पार्ट डाल रहा हूँ और फर्स्ट पार्ट में डाल चुका हूँ। आई बटन में जाके देख लीजिएगा आप कैसी लगी, और कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी है। और सेकंड पार्ट में डालूँगा, आज डाल रहा हूँ मैं आज। और वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी तो इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दी। और सेकेंड पार्ट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा वीडियो थोड़ी बड़ी है और ड्राइंग थोड़ी हैवी है, तो बताने के लिए बिगनर जो नए हैं उनको कैसे बनी है, क्या क्या यूज़ किया है, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी सेकंड पार्ट भी। आइए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, आपको नॉर्मली बनानी है। ये मैं चारकोल पेंसिल से आउटलाइन कर रहा हूँ और ये मैंने HB से हल्की हल्की शेड किया है, फिर ब्लेश से ब्लेंड कर रहा हूँ। आपको लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है नॉर्मली, लाइट एरियाज को छोड़ते चलना है एकदम नॉर्मली। या तो आप छोड़ के सर सकते हैं, वरना आप पे आप इरेजर से इरेज कर सकते हैं। और डार्क एरियाज़ के लिए आपको 2 से 3 बार शेडिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं ये 3B से शेडिंग कर रहा हूँ डार्क एरिया के लिए, चेस्ट में थोड़ा लुक देने के लिए। आपको ऐसे ही करना है। फिर मैं ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ इसे। देखिए वीडियो थोड़ा तेज़ है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। यहाँ आपको इरेज करके दिखा रहा हूँ मैं, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं लाइट एरिया। यहाँ पे गाइस मैं चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को, आप चाहें तो पेंसिल से भी कर सकते हैं। मैंने ये चारकोल पेंसिल के पाउडर से किया, आप चाहें तो पेंसिल से भी कर सकते हैं। कोई डार्क पेंसिल लेके उससे हो जाएगा, उससे ज़्यादा बेटर होगा। चारकोल पाउडर का तो थोड़ा रिक्स रहता है फैलने का। और ये मैं पेंसिल से शेड कर रहा हूँ HB से, फिर 2B से आउटलाइन करूँगा मैं इसको बीच में, थोड़ा सा एस को भरने के लिए लगता है ना 3D सा, इसीलिए बीच में कर रहा हूँ। डार्क एरिया में मैं चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन लाइट करके, बहुत हल्का 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 हल्का, इतना ज़्यादा डार्क नहीं चलना। यहाँ मैं ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ नॉर्मल, बिल्कुल हल्के हाथ से वाइट एरिया के लिए। मैं मोनो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, जो ऐसे थोड़ा 3D मतलब बार को उभरा हुआ लगे, वैसे शाइन मारना चाहिए ना। यहाँ मैंने 2 पेंसिल का यूज़ किया है, एक 2H और एक H, साइड चेस्ट के लिए। चेस्ट के बीच में जो लाइन होती है ना, उसमें बीच में मैंने मोरो इरेजर से थोड़ा रेज भी किया है चेस्ट में, बीच में लाइन दिखाने के लिए नॉर्मल, बीच में लाइन होती है चेस्ट के, उसके लिए। इधर मैं बाइसेप बना रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल से आउटलाइन करके। और इसके अंदर मैंने नॉर्मल HB पेंसिल का यूज़ किया है शेड करने के लिए। फिर मैं चारकोल पाउडर यूज़ करूँगा, आप चाहें तो पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसलिए यूज़ किया कि पेपर ज़्यादा रफ, थोड़ा रफ हो रहा था, सॉफ्ट नहीं था, तो चारकोल इतनी अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाती पेंसिल, इसलिए मैंने पाउडर का यूज़ किया। चारकोल पाउडर हल्के से ब्लेंड हो जाता है आराम से, अच्छे से पेपर एकदम अब्जॉर्ब कर लेता है ना उसको। आप चाहें तो पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं चारकोल ही हो, नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल भी चलेगी।
डार्क एरियाज में मैंने चारकोल पाउडर थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया और ब्रश से थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके यूज़ किया। आप डार्क एरिया के लिए सादा नंबर की पेंसिल यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बिगनर्स के लिए, क्योंकि बिगनर्स पाउडर यूज़ नहीं कर पाएंगे, उससे ड्राइंग ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। नॉर्मल आप डार्क पेंसिल यूज़ कीजिएगा। वाइट एरियाज को आप छोड़ते चलिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इरेज़ तो इतने अच्छे से नहीं हो पाते। अगर आप छोड़ते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने बाइसेप में वाइट एरिया छोड़ा है एक सेंट, आप देखेंगे ध्यान से, कुछ मैंने इरेज भी किए हैं। ब्रश से नॉर्मली ब्लेंड कीजिएगा हल्के हाथ से, या मैंने मोनो रेजर यूज़ किया है, और थोड़े वाइंस नशे बनाने के लिए भी मैंने मोनो रेजर यूज़ किया है, थोड़ा थ्रीडी लुक देने के लिए बाइसेप को, जो अच्छी वाइंस आए, नशे आए, दिखे आराम से। ये अभी बॉडी बिल्डर है सुपरमैन, अच्छा लगता है जो नशे दिखती हैं। यहाँ देखिएगा मैं ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ नॉर्मली, ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करता हूँ। वाइट एरिया, लाइट एरिया को मैंने छोड़ दिया है, और उसके डार्क एरिया में मैं चारकोल पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। इधर मैं पेट में बनाने के लिए पहले तो HB से शेडिंग की दोनों तरफ एप्स बनाने के लिए, फिर मैंने एप्स के कटिंग दिखाने के लिए चारकोल पाउडर का यूज़ किया है। चारकोल पाउडर से ज़्यादा अच्छा हो गया था, इसलिए मैंने चारकोल पाउडर का यूज़ किया डार्क एरियाज को भरने के लिए। वाइट एरियाज मैंने रेस किए हैं, आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए कितनी अच्छी कटिंग आई है एप्स में, सिर्फ और सिर्फ मैंने चारकोल पाउडर का यूज़ किया है,
वाइट एरियाज में इरेज किया है मैंने मोनो इरेजर से। देखिए कितनी अच्छी कटिंग आई है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ड्राइंग बनाना, आप में सिर्फ पेशेंस होने ज़रूरी हैं, क्योंकि ड्राइंग जो होती है वो पेशेंस के साथ बनती है। नॉर्मली आराम आराम से कोई भाग दौड़ नहीं होती ड्राइंग में, नॉर्मली बनाइए आप शांति से बैठकर। देखिए कि मैं सुपरमैन का अंडरवेयर बना रहा हूँ, सुपरमैन पहनता है पैंट के ऊपर। मैं आउटलाइन हमेशा साथ साथ बनाता हुआ चलता हूँ, बाद में आउटलाइन बनाना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप कहेंगे तो मैं आपको आउटलाइन के लिए एक ट्यूटोरियल अलग से बना दूँगा, नॉर्मल आउटलाइन कैसे करते हैं आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं तो हमेशा आउटलाइन साथ साथ बनाता चलता हूँ और शेयर करता चलता हूँ, ऐसा नहीं कि पहले ही आउटलाइन कर लेता हूँ। आप चाहें तो पहले आउटलाइन करके रख सकते हैं, बाद में शेड कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। नॉर्मल शेड करने के साथ साथ आउटलाइन बनाने से ज़्यादा, लेकिन मुझे साथ साथ आउटलाइन करना अच्छा लगता है तो मैं इसलिए ऐसे ही करता हूँ। आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आउटलाइन के लिए। सुपरमैन के अंडरवेयर में भी मैंने चारकोल पाउडर का यूज़ किया है, कोई पेंसिल का दूसरा यूज़ नहीं किया। ये मैं अंडरवेयर के बॉर्डर के लिए और अंडरवेयर में थोड़ी लाइनिंग हाईलाइट देने के लिए मोनो इरेजर और चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ अंदर अंडरवेयर के आउटलाइन बनाने के लिए। और ये इसके पैर में मैं पहले HB से शेडिंग करता हूँ, फिर मैंने चारकोल पाउडर का यूज़ किया है डार्क जो डार्क एरिया है, जो कटिंग है पैर में वो दिखाने के लिए। ब्रश से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, आप चाहें तो ब्लेंडिंग स्टफ जो होते हैं उनसे भी अच्छे से ब्लेंड हो सकता है। मैंने ब्रश से ब्लेंड किया है। अगर आपके पास ब्रश या ब्लेंडिंग स्टफ नहीं है तो आप रुई का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉटन से भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन ब्रश से थोड़ा ज़्यादा शेड अच्छा लगता है नॉर्मली लुकिंग वाइज। इसके पैर में मैंने थोड़ा कटिंग देने के लिए वाइट कैनेडी इरेजर से थोड़ा थोड़ा इरेज किया है और फिर ऊपर से हल्का सा ब्रश घुमा दिया है तो थोड़ा शाइन मारे और थोड़ा अच्छा सा दिखे कटिंग इसके पैरों की। थाई में भी बॉडी बिल्डर्स की अच्छी कटिंग होती है ना, इसीलिए और कुछ ऐसी ही दिखती है थोड़ी बहुत। सुपरमैन का जो कपड़ा है उसमें मैंने हाईलाइट छोड़े हैं, मैंने इरेज नहीं किए और नॉर्मल पेंसिल से बनाए, इसमें कोई चारकोल पाउडर का यूज़ मैंने नहीं किया। और ब्लेंडिंग स्टम्प से मैं ब्लेंड करता चला हूँ और डार्क एरियाज़ को मैंने डार्क पेंसिल से डार्क किया है और जो वाइट एरियाज़ हैं उनको सिर्फ छोड़ दिया है, उन्हें इरेज नहीं किया मैंने। कपड़े में थोड़ा शाइन आया जिसे यहाँ लगे कि ये कपड़ा है 3D लुक वाइज।
डार्क एरियाज में मैंने डार्क पेंसिल का यूज़ किया है, जैसे 6B 8B, और लाइट एरियाज में मैंने HB और 3B का यूज़ किया है बस, थोड़ा 3D लुक आया ना कपड़े में। आई होप गाइज आपको समझ आ गई होगी कि ड्राइंग कैसे बनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ज़रूर। बाय।